स्टूडेंट, बीएससी सेकंड सेम का जो लास्ट लेसन है, सेवन टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी, अमृत सेन का लिखा हुआ है. अमृत सेन हमारे नोबेल प्राइज विनर्स हैं. कौन कौन सी इनइक्वलिटी, जेंडर इनइक्वलिटी में, जो लिंग भेद एक प्रकार से हम कह सकते हैं, मतलब लड़कियों के साथ लड़कों की बजाय, कौन सी चीज़ों में असमानता का सामना करना पड़ता है. यहाँ पे हमारे को सात प्रकार की इनइक्वलिटी बताई है ही और शी के अंदर. सबसे पहले है मोर्टेलिटी इनइक्वलिटी. वर्ड से भी हमें पता लग जाएगा लगभग. मोर्टेलिटी होता है मतलब मृत्यु दर, जिसको हम कहते हैं, मतलब छोटी उम्र में जो है लड़कियां ज़्यादा मरती हैं और लड़के कम मरते हैं, उसको मोर्टेलिटी की, इस तरीके से देखभाल नहीं होती है. नेटेलिटी इनइक्वलिटीज होता है. नेटेलिटी मीन्स होता है बर्थ रेट, जिसको हम सेक्स रेशो कह लें, कि बर्थ रेट जो है लड़कियों का कम है, लड़कों का ज़्यादा है. बेसिक फैसिलिटी इनइक्वलिटी, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो लड़कियों को कम उपलब्ध कराई जाती हैं, लड़कों को ज़्यादा करवाई जाती हैं. स्पेशल अपॉर्चुनिटीज, विशेष अवसर उपलब्ध कराना. प्रोफेशनल पेशेवर इनइक्वलिटी. ओनरशिप इनइक्वलिटी. ओनरशिप होता है मालिकाना, बोलते जब मतलब अगर एक लड़का और एक लड़की है तो मकान या जो प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस जो है वो लड़कों के नाम होगी, लड़कियों के नाम नहीं. तो हाउस होल्ड इनइक्वलिटी. हाउस होल्ड मीन्स घर के अंदर जो काम होगा वो पूर्व निर्धारित है हमारे समाज के अंदर, कौन सा काम जो है वो औरतों के लिए है और कौन सा काम आदमियों के लिए है. चाहे दोनों के दोनों जो हैं, ही और सी, दोनों हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों जॉब में हैं तो डबल काम जो है औरतों को करना पड़ता है, घर का काम भी करना पड़ता है और जॉब भी करनी पड़ती है. तो ये सात प्रकार की इनइक्वलिटी समुदाय के अंदर पाई जाती है, हर कोई जानता है. ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात इसके अंदर नहीं है. मोर्टेलिटी इनइक्वलिटी, नेटेलिटी इनइक्वलिटीज, बेसिक फैसिलिटी इनइक्वलिटीज, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज इनइक्वलिटी, प्रोफेशनल इनइक्वलिटी, ओनरशिप इनइक्वलिटीज, हाउस होल्ड इनइक्वलिटीज. अब समरी कर लेते हैं इसकी डिटेल में. अगर लेसन करते हो तो थोड़ा मुश्किल भी है, उलझी कन्फ्यूजन भरा है, समरी में हमारे को ईजिली हो जाएगा. ड्यूरिंग द रीन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर क्वीन विक्टोरिया का जो शासन था वो भी लेडीज थी. उस समय में सर्टेन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, कुछ औरतों के संगठनों ने स्टार्टेड द मूव फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन्स, औरतों के अधिकार के लिए आगे आना शुरू कर दिया, मीन्स आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिए. क्वीन विक्टोरिया कुड नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मूवमेंट. जो क्वीन विक्टोरिया थी वो नहीं समझ पाई इसका महत्व, इस आंदोलन का महत्व क्या है, ये औरतें क्या चाहती हैं. शी वॉज ए वेरी पावरफुल एम्परर ऑफ इंग्लैंड, वो तो सम्राट थी इंग्लैंड की, पावरफुल थी. शी डिड नॉट नीड एनी प्रोटेक्शन, उसे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं थी. एज फॉर एज वुमेन्स राइट वर कॉन्सर्न, जहां पर औरतों के अधिकार की बात है, दैट इज वाई सी रोट टू सर थियोडे, सी रोट टू सर थियोडोर्स मार्टिन को, उसने कंप्लेनिंग अबाउट दिस मैड विग फॉली ऑफ वुमेन्स राइट. उसने सर थियोडोर्स मार्टिन को लिख शिकायत की इसके बारे में, ये पागलपन, विग होता दुष्टतापूर्वक मूर्खता औरतों के अधिकारों की. But that does not end the need of protection to women all over the world. परंतु ये समाप्त नहीं कर सकी need of protection, सुरक्षा की आवश्यकता है औरतों को सारी दुनिया के अंदर. In each community, प्रत्येक समुदाय के अंदर, nationality, राष्ट्रीयता के अंदर, and class work के अंदर, the burden of hardship, जो बोझ है कठिनाइयों का, often falls disproportionately on women. हमेशा मतलब गैर अनुपातिक तरीके से औरतों के ऊपर ज़्यादा डाला जाता है. द बर्डन्स ऑफ हार्डशिप, जो कठिनाइयों का बोझ है, ऑफन फॉल्स डिसप्रोपोर्शनलिटी, डिसप्रोपोर्शनलिटी होता है ज़्यादा मात्रा में, ऑन वोमेन, औरतों पर डाला जाता है, अनुपात में ज़्यादा कह लें हम. देर इज ए डीपली अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बर्डन ऑफ एडवर्सिटीज बिटवीन मैन एंड वुमेन. देर इज डीपली अनइक्वल, बहुत ज़्यादा गहराई से असमान शेयरिंग हिस्सा है और बर्डन बोझ का, ऑफ एडवर्सिटी, विपताओं का, संकटों का, मुसीबतों का, एडवर्सिटीज मीन्स बिटवीन मैन और वुमेन, आदमी और औरतों के बीच में. जेंडर इनइक्वलिटी एग्जिस्ट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. जेंडर, जो लिंग भेद की असमानता है वो सारी दुनिया में उपलब्ध है. वो जेंडर इनइक्वलिटी एग्जिस्ट होता कायम रहना, कि जो लिंग भेद की असमानता है वो कायम है इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अधिकतर हिस्सों में. इट एग्जिस्ट इवन इन द एडवांस कंट्री, यहाँ तक जो बहुत ही एडवांस डेवलप कंट्री हैं, विकसित देश हैं, लाइक यूनाइटेड स्टेट एंड जापान, उनमें भी है ये, अमरीका और जापान में भी है. द राइटर से लेखक कहते हैं दैट इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ हिस्सों में, द इनइक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन डायरेक्टली इन्वॉल्व्स मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. असमानता आदमी और औरत के बीच में सीधे तरीके से शामिल होता है जिंदगी और मौत. इट इज विजिबल इन द मैटर ऑफ ब्रिंगिंग अप द गर्ल्स एज कंपेयर टू द
वॉइस इट इज विजिबल, ये दिखाई देता है। ब्रिंगअप होता पालन पोषण करना, लड़के और लड़की का पालन पोषण करने में जो तुलना होती है वो देखा जा सकता है। देयर इज ए बायस होता है पक्षपात करना अगेंस्ट गर्ल्स इन द मैटर ऑफ हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता है मतलब पोषक तत्व देने में और या हेल्थ का स्वास्थ्य का देखभाल करने में लड़के और लड़कियों के साथ पक्षपात होता है, बायस होता है। एज ए रिजल्ट द मोर्टेलिटी रेट इज हाई अमंग्स द फीमेल्स। तो जो मरने की मृत्यु दर है वो लड़कियों में ज़्यादा है औरतों में, पर्टिकुलर इन द चाइल्डहुड विशेषकर बचपन के अंदर। सो देर इज ए मेजोरिटी ऑफ मैन इन द टोटल पॉपुलेशन, तो इसलिए जो पूरी जनसंख्या है हमारी उसके अंदर ज़्यादातर आदमी है। इन दो सोसाइटी इन विच देर इज नो और लिटल जेंडर बायस, के ऐसे समुदाय जिनके अंदर या तो पक्षपात है नहीं या है तो बहुत कम है लिंग भेद का अगेंस्ट वुमेन औरतों के खिलाफ इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्वास्थ्य और पोषक तत्व पोषकता के अंदर। देर इज नो और लिटल जेंडर उन समुदाय के अंदर जहां पर या तो कोई भेदभाव है नहीं या है तो थोड़ा है अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ इन हेल्थ स्वास्थ्य संबंधी और पोषण संबंधी न्यूट्रिशन तो पोषण। देर इज ए मेजोरिटी ऑफ वुमेन की दे वहां पे औरतों की जनसंख्या ज्यादा है जिन समुदाय के अंदर औरतों के साथ भेदभाव नहीं होता है किसी प्रकार का हेल्थ के बारे में या पोषणता के बारे में, तो वहां पे औरतों की जनसंख्या मेजोरिटी ज्यादा है। द मोर्टेलिटी इनइक्वलिटी हैज बीन ऑब्जर्व एक्सटेंसिवली नॉर्थ अफ्रीका एंड एशिया एंड इन एशिया इंक्लूडिंग चाइना एंड साउथ एशिया। द मोर्टेलिटी इनइक्वलिटी जो ये नश्वरिक से मतलब मोर्टेलिटी मरने की जिसको हम कहें ऐसा मानता है, द मोर्टेलिटी इनइक्वलिटीज जो मरने की मृत्यु दर की जो ऐसा मानता है हैज़ बीन ऑब्जर्व एक्सटेंसिवली ज़्यादा देखी गई है इन नॉर्थ अफ्रीका और एशिया में इंक्लूडिंग चाइना और साउथ एशिया भी अपना देश भी उसी में शामिल है। इन मैनी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बहुत से पुरुष प्रधान जो समुदाय हैं देर इज प्रेफरेंस फॉर बॉयज ओवर गर्ल्स की लड़कियों के बजाय लड़कों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इवन एजुकेटेड पीपल विश दैट देयर न्यू बॉर्नस शुड बी ए बॉय रादर देन ए गर्ल, कि यहाँ तक पढ़े लिखे लोग भी ये इच्छा करते हैं कि जो बच्चा जन्म लेगा वो लड़का होना चाहिए लड़की के बजाय। इन द पास्ट भूतकाल में पुराने समय में इट वॉज ओनली एवीसी केवल इच्छा होती थी, बट नाउ देर आर मॉडर्न टेक्निक परंतु आधुनिक तकनीकें आ गई हैं विच डिटरमाइन सेक्स जो लिंग के बारे में निर्धारित कर देती है ऑफ ए चाइल्ड के वन बिफोर इट्स बर्थ, जन्म से पहले ही बच्चे के लिंग के बारे में पता लग जाता है। सो दोज पेरेंट्स हु वांट देयर न्यू बोर्न टू बी ए बॉय, तो इसलिए जो माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका जो बच्चा जन्म लेगा वो लड़का हो रिसोर्ट टू एबोर्शन, वो गर्भपात पे उतर आते हैं। इफ द अल्ट्रासाउंड टेस्ट शोज, अगर अल्ट्रासाउंड के अंदर टेस्ट में दिखा जाता है द अनबोर्न चाइल्ड इज टू बी ए गर्ल, कि जो अजन्मा बच्चा है वो लड़की है उसका गर्भपात करवा देते हैं। दिस काइंड ऑफ सेक्स सेलेक्टिव एबोर्शन हैज बिकम कॉमन इन मैनी कंट्री, इस प्रकार का जो लिंग सेलेक्टिव निर्धारण जो है अबोर्शन गर्भपात हैज बिकम कॉमन इन मैनी कंट्री, बहुत से देशों में आम हो गया है। इट इज प्रिवेलेंट इन ईस्ट एशिया में पर्टिकुलर इन चाइना एंड साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा विशेष तौर पर एंड ऑल्सो इन ताइवान और सिंगापुर में भी। इन इंडिया में इट इज ऑल्सो वेरी कॉमन, भारत में भी आम बात है। Although there is a legal ban on pre-birth sex determination test, यद्यपि भारत के अंदर पूर्ण रूप से बैन किया हुआ है किसी भी अल्ट्रासाउंड के ऊपर कि जन्म से पहले बच्चे का लिंग का पता लगवाने पे बैन है, इट इज कॉमन इन अदर कंट्री ऑफ साउथ एशिया के दूसरे देशों में आम बात है। द ऑथर कार्डिस हाई टेक सेक्सिज्म, लेखक जो है इसको हाई टेक ऊंचे तकनीक का लिंग भेद कहते हैं लिंग काले। इवन इन सोसाइटी वेयर एंटी फीमेल बायस इज नॉट विजिबल इन द मैटर ऑफ हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन और प्री बर्थ सेक्स डिटर्मिनेशन, इवन इन सोसाइटी यहाँ तक उन समुदाय के अंदर वेयर एंटी फीमेल बायस जहाँ पर ये लिंग का भेद औरतों के साथ नहीं है इज नॉट विजिबल दिखाई नहीं देता जहाँ पे इन द मैटर ऑफ हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में एंड न्यूट्रिशन पोषण के बारे में और प्री बर्थ सेक्स डिटर्मिनेशन या जन्म से पहले सेक्स का पता लगाना ये नहीं है। देर इज ए इनइक्वालिटी इन अदर स्पेयर्स के दूसरे क्षेत्रों के अंदर ऐसा मानता है स्पेयर दूसरे क्षेत्र होते हैं। इन मैनी वेज बहुत से तरीके से वुमेन्स हैव लेस देन ए स्क्वेयर डील एज कंपेयर टू मैन्स, इन मैनी वेज कई तरीके से वुमेन हैव लेस देन ए स्क्वेयर डील होता अच्छा व्यवहार करना एज कंपेयर टू मैन, कि औरतों की बजाय आदमियों के बजाय औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है।
देर आर मैनी कंट्रीज इन एशिया, एशिया के अंदर बहुत से देश, अफ्रीका में, लैटिन अमरीका के अंदर, वेयर गर्ल्स हैव फार लेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ गोइंग टू स्कूल देन द बॉयज टू, जहाँ पर लड़कियों के चांस जो है स्कूल में, अवसर जो हैं कम मिलते हैं लड़कियों को लड़कों की बजाय स्कूल जाने के. देर आर अदर डेफिशंसीज इन द बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल टू गर्ल्स. देर आर अदर डेफिशंसीज होता है, कमियों, बहुत सी कमियाँ हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए जो लड़कियों के लिए उपलब्ध होती हैं. दे आर जनरली नॉट अलाउड टू कल्टिवेट देयर नेचुरल टैलेंट, उनको लड़कियों को स्वाभाविक तरीके से कोई उनके अंदर गुण है, प्राकृतिक गुण है, उसको भी उभरने नहीं दिया जाता. देयर पार्टिसिपेशन इन द सोशल फंक्शन, उनका जो कंट्रीब्यूशंस है या जाना है सामाजिक फंक्शनों के अंदर ऑफ द कम्युनिटीज निग्लिजेबल्स होता है, मतलब नगण्य, बहुत कम है. सामाजिक जो फंक्शन है, कार्य हैं, उनका योगदान या उनका जो पार्टिसिपेशन है वो बिल्कुल निग्लिजेबल्स है, मतलब नगण्य, जो ना के बराबर कह लें हम. इन मैनी कंट्री, बहुत से देशों के अंदर गर्ल्स आर नॉट डिनाइड द बेसिक फैसिलिटीज इंक्लूडिंग स्कूलिंग, कि लड़कियों को मना नहीं किया जाता है मौलिक सुविधाओं से, जिसमें स्कूल में जाने वाली बात भी. हाउ यद्यपि द अपॉर्चुनिटीज ऑफ हायर एजुकेशन, यद्यपि जो अवसर है उच्चतर शिक्षा का मे बी फार फ्यूअर फॉर यंग वुमेन, औरतों के लिए बहुत कम है देन द यंग मैन, आदमियों की बजाय. दिस बायस अगेंस्ट वुमेन, ये जो पक्षपात है औरतों के खिलाफ, कैन बी ऑब्जर्व, देखा जा सकता है इवन इन सम ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट एडवांस नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ तक सबसे बड़े अमीर और सबसे विकसित देशों में यूरोप के और नॉर्थ अफ्रीका के, नॉर्थ अमेरिका के, इस प्रकार के पक्षपात देखे जा सकते हैं. समटाइम दिस बायस इज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट देर आर सेपरेट प्रोविजंस फॉर मैन एंड वुमेन्स. कई बार जो है ये विरोधाभास होता है, पक्षपात होता है इस सिद्धांत के ऊपर कि आदमी और औरतों के अलग अलग क्षेत्र हैं. सेपरेट प्रोविंस वैसे प्रांत होता है, परंतु यहाँ क्षेत्र लगाएंगे, अलग अलग प्रांत है, अलग अलग क्षेत्र हैं. दिस थ्योरी हैज बीन एडवोकेट इन डिफरेंट फॉर्म, इस सिद्धांत का समर्थन किया गया अलग अलग रूपों में ओवर द सेंचुरी, शताब्दियों से इसका समर्थन किया जा रहा है. इन 1766 में जेम फोर्डिस ने लिखा है बुक सर्मन्स टू यंग वुमेन्स. सर्मन तो आप कोई किताब लिखी उन्होंने, सर्मन टू यंग वुमेन. इन दैट बुक में ही साइड उसने कहा दैट स्पीयर्स वर फॉर मैन ओनली, क्षेत्र जो है केवल आदमियों के लिए होते हैं. दीज स्पीयर्स वर लाइक कॉमर्स, ये अक्षेत्र कह लें, सम स्पीयर, कुछ अक्षेत्र जो है आदमियों के लिए होते हैं, बात कहते हैं. ही सेड दैट सम स्पीयर्स वर फॉर मैन ओनली, कुछ अक्षेत्र जो है आदमियों के लिए ही होते हैं. दीज स्पीयर्स वर लाइक, जैसे कॉमर्स वाणिज्य, पॉलिटिक्स राजनीति, एक्सरसाइज ऑफ स्ट्रेंथ मतलब ताकत का अभ्यास करना, डेक्सटरिटी होता कुशलता, फिलोसफी दर्शन शास्त्र एंड साइंस और विज्ञान, ये जो है कुछ जगह पे ये सोची जाती है कि ये केवल आदमियों के लिए होते हैं. ही वांट वुमेन नॉट टू ट्राई टू इंटर दिस फील्ड, वो चेतावनी देते हैं कि औरतों को इन क्षेत्रों में प्रवेश करने की कोशिश ना करें. इवन नाउ दिस काइंड ऑफ बायस अगेंस्ट वुमेन, यहाँ तक इस प्रकार का पक्षपात औरतों के खिलाफ इज फाउंड इन मैनी एरिया ऑफ एजुकेशन, कई क्षेत्रों में शिक्षा के, ट्रेनिंग प्रशिक्षण के एंड प्रोफेशनल वर्क और पेशेवर काम के, इवन इन द वेस्टर्न कंट्रीज, यहाँ तक पश्चिम के देशों में जो एडवांस कंट्री है वहाँ भी पाया जाता है. देर इज इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, आदमी और औरतों के बीच में असमानता है इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार एंड प्रमोशंस और उन्नति तरक्की के मौकों के अंदर. इवन एन एडवांस कंट्री लाइक जापान, यहाँ तक जो बहुत ही अग्रिम देश है जापान जैसे, देर मे बी इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, असमान इक्वल मतलब समान अवसर मिलते हैं औरतों को इन द मैटर ऑफ बेसिक फैसिलिटी से संबंधित चीज़ों में, मौलिक सुविधाओं से, और इवन द हायर एजुकेशन जैसी चीज़ें भी जापान जैसे देशों में बराबर मिलती हैं. बट देर आल्सो प्रोग्रेस टू हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन मे बी मच मोर प्रॉब्लमेटिक फॉर वुमेन देन ए मैन, बट देर आल्सो प्रोग्रेस टू हाई लेवल, परंतु यहाँ पर तरक्की करना, रोजगार के क्षेत्र में ऊँचे अवसर पर जाना या तरक्की लेना, प्रमोशन करना, मे बी मच मोर प्रॉब्लमेटिक, समस्या पूर्वक है औरतों के लिए आदमियों की बजाय, मतलब तब प्रमोशन लेना औरतों के लिए मुश्किल है आदमियों की बजाय. द राइटर गिव्स एन एग्जाम्पल, लेखक हमारे उदाहरण देते हैं. इन ए टेलीविजन सीरियल यस मिनिस्टर, एक टेलीविजन में नाटक आया था यस मिनिस्टर, द मिनिस्टर इज फुल ऑफ रिफॉर्मिंग जील्स, की जो मिनिस्टर थे वो भरे हुए थे जोश से, उत्साह से, सुधार करने के उत्साह से, रिफॉर्म होता सुधार करना चाहते थे. ही ट्राइज टू फाइंड फ्रॉम हिज सेक्रेटरी, अपने सचिव से ये ढूंढने की कोशिश की हाउ मेनी वुमेन आर इन रियली सीनियर पोजिशन इन द ब्रिटिश सिविल सर्विस के अंदर, जो IAS की पोस्ट है ब्रिटिश क्षेत्र में, कितनी औरतें हैं उसके अंदर वास्तव में. द सेक्रेटरी सेज, सेक्रेटरी कहता है दैट इट इज डिफिकल्ट टू गेट द एग्जैक्ट नंबर, सही संख्या तो हमें पता नहीं लग सकती,
बट द मिनिस्टर आस्क हिम टू टेल हिम द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सच वुमेन. कह रहे कि अंदाजा बता दो भी कितनी औरतें होंगी. मिनिस्टर ने कहा उसको सेक्रेटरी को. द सेक्रेटरी रिप्लाई, सेक्रेटरी सचिव उत्तर देता है दैट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ द वुमेन इन हायर सर्विस इज नील. कि जो ऊंचे दर्जे की जॉब्स हैं वहां पे औरतों की संख्या जीरो है. दिस शोज दैट इन द मैटर ऑफ हायर पोस्ट, इसे ये पता लगता है कि ऊंची जो पद हैं देयर इज इनइक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, आदमी और औरतों के बीच में असमानता है. इन मैनी सोसाइटी, बहुत से समुदाय में देयर इज इनइक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, आदमी और औरतों के बीच में असमानता है. इन द मैटर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब जो प्रॉपर्टी का अधिकार है उसके मामले में. इवन बेसिक असेट, यहाँ तक जो मौलिक जो संपत्ति है सच एज होम, जैसे घर, जमीन, लैंड्स, मे बी शेयर्ड अनइक्वली, उसका भी बंटवारा असमान तरीके से होता है. द एब्सेंस ऑफ क्लेम टू प्रॉपर्टी कैन नॉट ओनली रिड्यूस द वॉइस ऑफ वुमेन, द एब्सेंस ऑफ क्लेम टू प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी के ऊपर दावा करने की अनुपस्थिति कैन नॉट ओनली रिड्यूस द वॉइस ऑफ वुमेन, केवल औरतों की आवाज़ को ही नहीं दबाता है. इट कैन ऑल्सो मेक इट हार्डर फॉर देम, ये उनके लिए और मुश्किल कर देता है टू इंटर एंड फ्लोरिश कॉमर्शियली, कि प्रवेश करना और पनपना, बढ़ना, फ्लोरिश का बढ़ना होता है इन कॉमर्शियली, इकोनॉमिकल एंड आर्थिक तरीके से, इन सोशल एक्टिविटी, यहाँ तक सामाजिक गतिविधियों के अंदर भी आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, वाणिज्यिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों. दिस काइंड ऑफ इनइक्वलिटी हैज एग्जिस्टेड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस प्रकार की असमानता दुनिया के अधिकतर हिस्सों में है. दो देर आर लोकल वेरिएशन, यद्यपि लोकल स्थानीय जो है बदलाव अलग अलग होते हैं. उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, इवन दो ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी राइट हैव फेवर्स मैन इन बल्क इन इंडिया, कि भारत के अंदर जो परंपरागत प्रॉपर्टी का अधिकार है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, आदमियों के पक्ष में है. इन केरला में देर हैज़ बीन ट्रेडिशन, एक परंपरा है. इन केरला में देर हैज़ बीन ट्रेडिशन ऑफ मैट्रिलिनियल्स इनहेरिटेंस, मैट्रिलिनियल होता मातृत्व, माँ की इनहेरिटेंस, विरासत में मिलना, फॉर एन इन्फ्लुएंशियल पार्ट्स की अधिकतर प्रभावशाली हिस्सों में ऑफ द कम्युनिटी नोन एज इनहेरिटेंस फॉर द इन्फ्लुएंशियल पार्ट्स ऑफ द कम्युनिटी, मतलब प्रभावशाली हिस्सा है ये समुदाय का, नोन एज द नैयर के नाम से जिसे जाना जाता है, उसमें जो लड़की को है विरासत का अधिकार है. मीन्स इसमें केरला के अंदर ही नैयर कम्युनिटी है, ये बहुत ही प्रभावशाली कम्युनिटी है, उसके अंदर लड़कियों को विरासत का अधिकार है, प्रॉपर्टी में अधिकार लेना का है. देयर आर बेसिक इनइक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इवन विद इन द फैमिली, मौलिक जो है असमानताएं होती है यहाँ तक आदमी और औरतों के बीच में, परिवार में भी और हाउस होल्ड, घर के कामों में, विच कैन टेक मैनी डिफरेंट फॉर्म, जो कई रूप ले लेती है. सम अर्बन फैमिली आर एडवांस एंड वी डू नॉट फाइंड एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द मैटर ऑफ फीमेल सर्वाइवल. कुछ जो शहरी अर्बन फैमिलीज हैं, शहरी जो परिवार हैं, आर एडवांस, बहुत ही अग्रिम है, एंड वी डू नॉट फाइंड एनी डिस्क्रिमिनेशन, होता भेदभाव, और हमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं दिखाई देता इन द मैटर ऑफ फीमेल सर्वाइवल, मतलब औरतों के जिंदा रहने में या तरक्की करने में. सन परफ्रेंसिस, मतलब लड़के की प्राथमिकता देना और एजुकेशन में, इस प्रकार की चीज़ों में कुछ अर्बन शहरों में परिवारों में कुछ असमानता नहीं मिलती है. परहैप्स वी मे फाइंड बायस इन द मैटर ऑफ इवन प्रमोशन टू हायर पोजिशन, शायद वी मे नॉट फाइंड, कि हमें ये पक्षपात ना मिले प्रमोशन में या ऊंचे पदों के अंदर. यट देर इज इनइक्वलिटी इन दोज हाउस होल्ड, परंतु असमानता तो उन घरों में भी होती है. इन द मैटर ऑफ शेयरिंग द बर्डन ऑफ हाउस वर्क, घर का काम कौन क्या करेगा और चिल्ड्रन केयर, बच्चों की देखभाल कौन करेगा, ये असमानता तो वहाँ भी पाई जाती है. मैन जनरली डू नॉट शेयर द टास्क ऑफ हाउस होल्ड, आदमी जो है आमतौर पर घर का काम नहीं करवाते हैं, एंड लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड, बच्चे की देखभाल की जिम्मेवारी नहीं लेते हैं. इवन इफ बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर इन सर्विस, यहाँ तक दोनों पति पत्नी अगर नौकरी करते हैं, द वुमेन हैज़ टू डू एक्स्ट्रा वर्क, औरत को अलग से काम कर, औरतों को अलग से काम करना पड़ता है, ऑफ रनिंग द हाउस होल्ड, घर का काम चलाने में, एंड लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन, और बच्चों की देखभाल करने का अलग से काम उन्हें करना पड़ता है. इट इज़ कॉमन इन द एडवांस सोसाइटी टू थिंक इट नेचुरल्स दैट वाइल मैन वर्क आउटसाइड द होम्स एंड वुमेन विल वर्क इन एट होम इन द होम. इट इज़ कॉमन इवन द एडवांस सोसाइटी, यहाँ तक जो बहुत ही एडवांस सोसाइटी हैं, बहुत ही आगे गई हुई समुदाय हैं, वो टू थिंक इट नेचुरल, स्वाभाविक तरीके से सोच है उनकी, दैट वाइल मैन विल वर्क आउटसाइड, के आदमी बाहर काम करेंगे आउटसाइड द होम, घर से बाहर, एंड द वुमेन विल वर्क इन द होम, और औरतें घर का काम करेंगे. इफ द वाइफ इज आल्सो एम्प्लॉयड, अगर पत्नी जो है वो रोजगार पे है, नौकरी करती है, शी विल हैव टू डू द डबल वर्क, उसे दोहरा काम करना पड़ेगा, दैट इज द ऑफिस एज वेल एज द हाउस होल्ड ड्यूटीज, ऑफिस का भी काम और घर का भी काम.
दिस इज समटाइम कॉल्ड द डिवीजन ऑफ लेबर, इसको कई बार जो है मतलब मजदूरी का बंटवारा कह लें, हम लेबर का बंटवारा कहा जाता है, बट इन फैक्ट परंतु वास्तव में इट इज़ द एकुमुलेशन ऑफ लेबर एज ए वूमेन वर्क इज इंक्रीज, इन फैक्ट इट इज़ एकुमुलेशन होता है इकट्ठा करना, ऑफ लेबर का एक जगह पे इकट्ठा करना, शर्म का एज ए वूमेन वर्क औरतों का काम समझाता था, इन इंक्रीज बढ़ा देते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मैन, अगर आदमियों की तुलना में देखें तो वास्तव में औरतों के ऊपर उस शर्म का मीन्स मेहनत का काम सारा उसी पर डाल दिया जाता है. द इफेक्ट ऑफ दिस इनइक्वलिटी इज फाउंड नॉट ओनली विद इन द हाउस होल्ड, इस प्रकार का प्रभाव असमानता का केवल उन घरों में ही नहीं मिलता है बट ऑल्सो इन द आउटसाइड वर्ल्ड, परंतु बाहरी दुनिया में भी मिलता है. इट हैज़ ग्रेट इफेक्ट ऑन द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क इन प्रोफेशनल सर्कल, इट हैज़ ए ग्रेट इफेक्ट, इट हैज़ ग्रेट इफेक्ट, इसके बहुत प्रभाव होते हैं ऑन द नॉलेज, ज्ञान के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग समझ बूझ पे ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग प्रकार की कामों में इन प्रोफेशनल सर्कल जो पेशेवर क्षेत्र के होते हैं. द जेंडर इनइक्वलिटी डज नॉट एग्जिस्ट ओनली इन द बैकवर्ड और डेवलपिंग कंट्री, ये जो लिंग भेद की असमानता, लिंग असमानता है, केवल पिछड़े हुए या विकासशील देशों में ही नहीं है, इट इज फाउंड इवन इन एडवांस वेस्टर्न कंट्री, यहाँ तक जो एडवांस जो विकसित पश्चिम के देश हैं उनमें भी है. द हैंडबुक ऑफ ह्यूमन्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, ये किताब है प्रिपेयर बाई WHO ने लिखे आंकड़े जारी किए देश के, द हैंडबुक ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की, ह्यूमन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट मतलब कहाँ पे कितनी पोषक कैलोरी की जरूरत किसको होती है, उसमें बताया गया है. द कैलोरीज रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इज गिवन, तो इसमें इस बुक में हैंडबुक में ये बताया WHO ने किस प्रकार के लोगों को कितनी कैलोरी की जरूरत है. द राइटर वाज सरप्राइज, हमारे लेखक बड़े आश्चर्य में पड़ गए टू फाइंड ए पाकर दैट द बुकलेट, उस पुस्तक के अंदर द हाउस होल्ड वर्क, जो घर का काम है, वॉज क्लासिफाइड एज सेडेंट्री एक्टिविटी, उसको कहा कि बिना मेहनत का काम होता है, इसमें ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती, ये बात उसमें WHO ने ह्यूमन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के अंदर कही है ये बातें, जबकि ये बिल्कुल टोटली गलत है, कोई इस बात को कंसिडर नहीं कर सकता, ना ही हमारे राइटर इस बात से सहमत है कि इसमें बहुत ताकत की या एनर्जी नहीं लगती, रिक्वायरिंग वेरी लिटल एनर्जी, कह रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ही कम ऊर्जा की जरूरत होती है. द राइटर डिसएग्री विद इट, हमारे लेखक भी इस बात से असहमत है. हाउस होल्ड एक्टिविटी आल्सो रिक्वायर ए लोट ऑफ एनर्जी, घर के काम करने में भी बहुत से हमें ताकत की ऊर्जा की जरूरत होती है. ही वंडर, उसे आश्चर्य होता है, हु हैड कलेक्टेड दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, किस प्रकार के आंकड़े किसने इकट्ठे किए हैं अबाउट हाउस होल्ड वर्क, फ्रॉम वेयर, घर के कामों के बारे में, और कहाँ से इकट्ठे किए हैं उन्होंने कि सेडेंट्री एक्टिविटी बता दिया घर के काम को. इट शोज दैट द बायस अगेंस्ट द वर्क डन बाई वुमेन एग्जिस्ट इवन एट द हाई लेवल, इससे ये पता लगता है कि पक्षपात जो है अगेंस्ट द वर्क, काम वर्क डन बाई वुमेन, जो औरतों के द्वारा काम किया जाता है, एग्जिस्ट इवन इन द वेरी हाई लेवल, यहाँ तक बहुत ही ऊंचे दर्जे के जगह पर भी इनके साथ पक्षपात किया जाता है. मतलब ये चीज़ें हमने देखी भी किस प्रकार जो औरतों का हर क्षेत्र के अंदर जो है पक्षपात का सामना करना पड़ता है, और ये चीज़ें हमारे देश में जो हैं बिल्कुल वो कॉमन है, कोई जो कोई नई बात इसके अंदर नहीं है, हम रोज़मर्रा इन चीज़ों को देखते हैं. अब सिर्फ ये बात कंसीडर करने की है कि कौन क्या कंसीडर करता है, कि उसको अपनी जिम्मेवारी समझता है या नहीं समझता है. ये लास्ट लेसन था आप लोगों का, मैंने कोशिश की है इसको डालने की पूरी आपकी वीडियो जो है सारा लेसन, और कर चुका करूँगा मैं, एक पार्ट में भी सबको दे दिया जाए.